दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्नातक प्रवेश प्रक्रिया के 8वें दिन रविवार को स्नातक कला में प्रवेश कार्य आयोजित हुआ। गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चली प्रवेश प्रक्रिया में कुल 423 अभ्यर्थियों ने आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए संबंधित कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त किया। प्रवेश प्रक्रिया के तहत स्नातक कला में OBC के 289 अभ्यर्थी, SC के 121 अभ्यर्थी और ST के 13 अभ्यर्थियों का प्रवेश लिया गया। आपको बताते चलें कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की संयुक्त स्नातक प्रवेश प्रक्रिया में चॉइस लायक करने की तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। पहले इसकी अंतिम तिथि 13 जुलाई निर्धारित की गई थी। जिन विद्यार्थियों ने पहले केवल विश्वविद्यालय परिसर में ही प्रवेश के लिए चॉइस लॉक किया था और उन्हें परिसर में प्रवेश नहीं मिल पाया है, वे भी संबंध महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु चॉइस लॉक कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपनी रुचि के चयनित कॉलेजों के क्रम में पुनर्व्यवस्थित करना चाहते हैं या उसमें बदलाव करना चाहते हैं, वे भी इस अवधि में फिर से चॉइस लॉक पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। पूरा लेते हैं ना, हाई स्कूल से लेके पूरे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी लेते हैं।